Hello students of class 11. Today we will discuss about fundamental forces in nature. Okay students, let us start now. We all have an initiative notion of force in our experience. Force is needed to push, carry or through object, deform or break them. We also experience the impact of forces on us, like when a moving object hits us or we are in a merry-go-round. Going from the initiative notion to the proper scientific concept of force is not trivial proper scientific trivial matter. Early thinkers like Aristotle had wrong ideas about it. The correct notion of force was arrived at by Isaac Newton in his famous law of motion. फ्रेंड्स, तो हम सभी फोर्स के बारे में परिचित हैं. हम अपने डेली के एक्सपीरियंस, डेली के दैनिक जीवन में इस तरह के बल को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बल की जरूरत पुश करने में या किसी चीज को ले जाने में या फिर किसी चीज को तोड़ने में यूज होता है. नेक्स्ट, हम अपने ऊपर बलों के संघात, जैसे किसी गतिशील वस्तु के हमसे टकराते समय अथवा मैरी गो राउंड झूले में गति करते समय अनुभव करते हैं. Going from this initiative notion to the proper scientific concept of force is not tribal matter. तो इस सहजानुभूत धारणा से चलकर बल की सही वैज्ञानिक संकल्पना तक पहुंचना सहज कार्य नहीं है. देखिए, पुराने विचारकों जैसे अरस्तु की बल के विषय में संकल्पना गलत थी. ओके, और बल के विषय में यानी फोर्स के विषय में हमें सही कॉन्सेप्ट सर आइजक न्यूटन ने, जिनका एक महत्वपूर्ण नियम न्यूटन के गति के प्रसिद्ध नियमों से मिली. ही ऑल्सो गेव एन एक्सप्लिसिट फ्रॉम द फोर्स फॉर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज. वी शैल लर्न दीज मैटर इन सब्सिक्वेंट चैप्टर. ओके, उन्होंने दो पिंडों के बीच, मीन्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को क्लियरली डिफाइन किया, जिसका हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे इसके बारे में डिटेल से. नाउ लुक इन द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, बिसाइड द ग्रेविटेशनल फोर्स वी एनकाउंटर सेवरल काइंड्स ऑफ फोर्सेज लाइक मस्कुलर फोर्सेज, कॉन्टैक्ट फोर्सेज बिटवीन बॉडीज, फ्रिक्शन फोर्सेज पैरेलल टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, the forces exerted by compressed or elongated spring and taut string and ropes, the force of buoyancy and viscous force when solid are in contact with fluid. Okay, so friends, is universe mein gravitational force ke alawa hum log कई अन्य प्रकार के बलों के बारे में भी महसूस करते हैं, जैसे मस्कुलर फोर्स मीन्स पेशीय बल, और
दो पिंडों के मध्य स्पर्श से होने वाला घर्षण बल, जैसे कि आप देखते हैं कि टायर और रोड के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, या फिर संपीड़ित अथवा दीर्घित कमानी तथा तनी हुई रस्सियों एवं डोरियों द्वारा आरोपित बल। जैसे स्टूडेंट आप देखते हैं कि एक स्प्रिंग को जब हम ऐसे खींचते हैं उसके दोनों सिरों को पकड़ करके, तो उसके अंदर भी हमें एक बल लगता है। फिर जैसे ही हम उसके लगे हुए बल को हटा लेते हैं तो वो स्प्रिंग पुनः अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाती है। तो इस तरह से उसके जो बल है वो भी एक तरह से संपीड़ित या दीर्घित बल कहलाता है। जब ठोसों तरलों के संपर्क में आते हैं तब उनके ऊपर एक बायंसी फोर्स भी लगता है, या फिर किसी लिक्विड के प्रेशर के कारण होने वाला बल, या किसी लिक्विड के पृष्ठ सरफेस टेंशन के कारण बल आदि विभिन्न प्रकार के बलों को हमने पिछली कक्षाओं में या फिर हमने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को महसूस किया। नेक्स्ट, देर आर ऑल्सो फोर्स इन्वॉल्विंग चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज इन द माइक्रोस्कोपिक डोमेन अगेन। तो इसके अलावा आवेशित तथा चुंबकीय वस्तुओं के कारण भी बल होते हैं, और सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में भी हमारे पास विद्युत तथा चुंबकीय बल और न्यूक्लियर फोर्सेस जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी शामिल होते हैं। अंतर परमाणविक एवं अंतरा आणविक बल आदि भी शामिल हैं, मीन्स इंटर मॉलिकुलर फोर्स एंड इंटर एटॉमिक फोर्सेस आल्सो इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ फोर्सेस, एंड वी शैल गेट फैमिलियर विद वन ऑफ विद सम ऑफ दीज फोर्सेज इन लैटर पार्ट ऑफ दिस कोर्स। ओके, सो इन दिस चैप्टर देर आर फिजिकल वर्ल्ड अ ग्रेट इनसाइट ऑफ 20th सेंचुरी फिजिक्स इज दैट दीज डिफरेंसेस फोर्सेज अकरिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली अराइज फ्रॉम ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, द इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स arises due to the net attraction or repulsion between the neighboring atoms of the spring when spring is elongated or compressed. Okay, friend. 20th century की एक महान अंतर्दृष्टि यह है कि विभिन्न संदर्भों में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के फोर्सेज हैं वास्तव में नेचर के कुछ फंडामेंटल बलों से ही उत्पन्न होते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस से ही उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए जब हम कोई दीर्घित या फिर किसी कंप्रेस की हुई कमानी लेते हैं तब कमानी के जो निकटवर्ती जो एटम्स होते हैं उनके बीच में कोई नेट रिपल्सन या फिर जो है अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न होता है, और इसके अलावा प्रत्यास्थ कमानी बल भी उत्पन्न होता है। इस नेट अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स की खोज परमाणुओं के आवेशित अवयवों के बीच वैद्युत बलों के योग तक की जा सकती है। सिद्धांत रूप में इसका तात्पर्य यह है कि जो व्युत्पन्न बल है जैसे कमानी बल या फिर फ्रिक्शन फोर्स के नियम प्रकृति के मूल बलों के नियमों से स्वतंत्र नहीं है, तथापि इन व्युत्पन्न बलों का उद्भव अत्यंत जटिल है। अपनी समझ के वर्तमान चरण पर हम प्रकृति के चार मूल बलों को जानते हैं जिनका यहाँ संक्षेप में वर्णन किया गया है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस ग्रेविटेशनल द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बाय वर्चू ऑफ देयर मासेस। फ्रेंड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच उनके मास के कारण उत्पन्न होता है, and it is a universal force. Every object experiences the force due to every other object in the universe. So pratyek object gravitational force ek aisa force hota hai jo kisi do object ke beech unke dravyaman ke karan utpann hota hai, aur ye ek tarah se universal force hai aur sabhi vastuein is force ka anubhav kar sakte hain. And all objects in the on the earth, for example, experience the force of gravity due to the earth. Okay, means इस universe में पाए जाने वाले ऐसे सभी object इस
फोर्स को महसूस कर सकते हैं।